हेलो दोस्तों, मैं आज आपको मूली की भुजी बनाना बताती हूँ। यहाँ पे मूलियों को मैंने छील लिया है। अब ये पत्तों को भी अच्छे से साफ कर लिया है और 3 से 4 बार मूलियों को मैंने पानी में धो लिया है। तो अब यहाँ पे धो के मैंने छलनी से कुकर में डाल दिया है। और कुकर में डालने के बाद में यहाँ आधा कप से कम पानी डाल दिया है। अब ये कुकर को बंद करके गैस पर रख देंगे उबलने के लिए। 2 सीटी लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्ची और आधा इंच अदरक का, और प्याज जो हरी मिर्चों को काट लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी मूली उबल के तैयार हो गई है। तो मूली उबलने तैयार होने बाद में यहाँ तड़का की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर लिया है कढ़ाई, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल, तेल अच्छे से गर्म होने बाद में डाल दिया 1 चम्मच जीरा, और जीरा तड़कने के बाद में अदरक, हरी मिर्ची और हरी अदरक और हरी मिर्ची हल्का सा तिड़कने के बाद में यहाँ पे मैं प्याज डाल दी है। प्याजों को बारीक बारीक काट लिया है और प्याजों को हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा भूनने के बाद में टमाटर डाल देंगे। अगर दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पर प्याज भून गए हैं, तो अब यहाँ पर डाल देंगे टमाटर, और टमाटरों को प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स होने के बाद में यहाँ पर डाल देंगे मसाला। तो देखिए दोस्तों, प्याज और टमाटर अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर डाल देंगे मसाला, 1/2 चम्मच धनिया और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच हल्दी, और मसालों को भी अच्छे से प्याज और टमाटरों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में अब स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और नमक को भी अच्छे से मिला लेंगे। और प्याज मसाला को 2 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर पका लेंगे। मसाला पक गए इतने में यहाँ पर मूलियों को अच्छे से हाथ से निचोड़ लेंगे, अच्छे से पानी निकाल देंगे निचोड़ के। तो देखिए दोस्तों, जो 2 से 4 मिनट हो चुके हैं, मसाला पक गया है। तो अब यहाँ पर उबली हुई मूलियों को हाथ से मल के डाल देंगे और मूलियों को अच्छे से मसाला में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में मूली को मसाले में मूलियों को मिक्स करने के बाद में 5 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर और पका लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 मिनट हो चुकी है। तो मूली की भुजी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी कैसी लगी है तो आप कमेंट करके बताएं।